ये रेडियो कॉलोनी श्रीनगर है, हालात देखिए। गाड़ियां सड़कों पर पानी में डूबी हुई हैं और सड़क एक ऐसी नदी के रूप में तब्दील हो गई है जिस पर रास्ता नहीं मिल रहा। लोग बड़ी दिक्कतों में यहां पर जीवन जी रहे हैं। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपनी परेशानी और दिक्कतें ये बता रही हैं। क्या हुआ है बताइए। देखिए, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में इस वक्त मौजूद है और मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन नवनीत आपको यहाँ के हालात की तस्वीरें दिखाएं। जरा पीछे देखिए, एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ पानी, चारों तरफ सिर्फ सैलाब ही दिखाई दे रहा है। हम आपको एक अलग अंदाज में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक कटोरा है, हालांकि हमने कोशिश की थी कि गहराई वाला कटोरा मिले, लेकिन अपने घरों को लोग छोड़कर आए हैं, इसलिए बहुत थोड़े बर्तन उनके पास है। यानी कि बीच में आबादी रहती है और ये जो चारों तरफ सूखा इलाका आप देख पा रहे हैं, ये पहाड़ियाँ हैं। जो कश्मीर के लोग हैं, चारों तरफ उनके पहाड़ियां हैं और यही उनके सामने मुश्किल भी है। गहराई वाले इलाके में लोग रहते हैं। मैं इस वक्त खड़ी हूँ श्रीनगर की बादामी बाग कैंटोनमेंट एरिया में, जो कि कश्मीर की सबसे बड़ी कैंटोनमेंट है और यहाँ का कोर हेडक्वार्टर्स है। मेरे पीछे जो आप पानी का दूर दूर तक दरिया जैसी ये चीज देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर पीछे ये मेन एंट्रेंस था बादामी बाग कैंटोनमेंट का, जिसे बीबी कैंट कहते हैं शॉर्ट में। यहीं से दिखाई दे रहा है कहाँ तक पानी चढ़ा था। जो सेकंड फ्लोर है उसके 3-4 फुट तक पानी आ गया था। आप देखेंगे ये सारे जहां तक आपकी नजर जाएगी, इसी तरह के टेंट्स जो है इस वक्त इन लोगों के लिए शरण बने हुए हैं, जो अपना घर बार अपने आशियाने खो चुके हैं। यहां आप देखेंगे एक महिला जो है किस तरीके से गुजर बसर कर रही हैं, यहां पर खाना वो खा रही हैं, अपना सब कुछ ये गवा चुके हैं। ये जो एनजीओज हैं, उन्होंने हमारी बहुत सारी हेल्प की, खासकर आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने, एसएसबी हैं। तबाही का मंजर हर तरफ देखने को मिल रहा है। डल झील के बगल की एक कॉलोनी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। बाढ़ आया बहुत, तो हम घर से निकले, फैमिली बच्चों को बचाने के लिए हमने निकला। हम सुबह आया, पूरा घर बिखरा पड़ा है, एक सुई भी हमने नहीं निकाला, एक कपड़ा भी नहीं हमने निकाला, सब बिखरा पड़ा है। हम खाली अपने आप को बचाने की कोशिश में, दो बेटी आठ दिन के बाद हम ये डबल रोटी देख रहे हैं। सरकार के मदद कुछ नहीं मिला, अब सब चोर है, कोई भी हमें मदद नहीं कर रहा है। सरकार का दावा है मदद पहुंच रही है, हर घर तक पहुंच रही है, मगर क्या वाकई पहुंच रही है? सच हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक इस वक्त परिवार खड़ा है, ये परिवार जो पिछले 6 रोज से भूखा है और आज कुछ नहीं खाया। बेटा, हमको सिक्योरिटी वालों ने अपना खाना दिया, हमको दरसगाह वालों ने हमको अपना खाना दिया, हमने गवर्नमेंट की एक बिस्किट तक नहीं देखी। बेटा,